गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? और भगवान के आशीर्वाद से सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नए दिन शुरू हो चुकी है और आज पंजाब में हमारा दूसरा दिन है। तो आज हम थोड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं। अभी सुबह की शायद 11 बज रही होगी, शायद 11 बज रही होगी। तो अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और आज कहीं घूमना नहीं है। शॉपिंग के बाद हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ी शॉपिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या लेना है। छोटा छोटा कुछ लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ की सामान। तो देखते हैं कौन कौन रेडी हो चुका है, कौन जाना है, कौन बैठना है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैंने ये ड्रेस लगाया है और ये भी मैंने यहाँ लिया है, यहीं पे लिया है। ये गर्म कपड़ा का ड्रेस है और इसको मैंने यहीं लेके यहीं बनवाया है दिल्ली में। वहाँ ननद रेडी हो चुकी है, यहाँ माँ मास्क लगा के रेडी है, माँ भी। तो चलिए अभी निकलते हैं। तो अभी हम यहाँ से होटल से निकले हैं और अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो पहले ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद ही हम मार्केट को निकलेंगे। और यहाँ बन रही है तंदूरी रोटी। यहाँ पर कहाँ है रोटी, दिखाई भी नहीं दे रही। एक, हाँ एक और लगा के दिखा दीजिए। इसमें क्या क्या लगाया? हाँ भाई, इसमें स्टफिंग है, आलू गोभी प्याज धनिया पनीर सब मिक्स हो गया। हाँ सुन, तो लेट कर रहे थे। ये अमृतसरी कुलचा। और यहाँ पे पंजाबियों का कुछ ओकेशन था शायद, मुझे भी पता नहीं क्या है। तो तलवारबाजी हो रहा था और डांस हो रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने भी आपके साथ शेयर किया। आप भी देखिए, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। Thank you.
अभी हम खाना खाने आए हैं, तो ये है प्लेन डोसा, ये मसाला डोसा, और भी आने वाली है। और वहाँ से मार्केट ख़त्म होने के बाद, मार्केट करने के बाद हम डायरेक्ट आ गए, और बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही आलस लग रही थी। और यहाँ हम खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने यहाँ रुक गए, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मैंने शॉपिंग के वक्त कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी और हमें दिल्ली के लिए भी निकलना था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और आते वक्त मुझे एक चीज़ दिखाई दिया, जो ये दो एरोप्लेन है, ये दो एरोप्लेन एक होटल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो आज के लिए आपसे यहीं विदा लेती हूँ। बाय। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपना परिवार का अच्छा से ध्यान रखें।